अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं डाइन सिस्टम के, इनको भी सॉल्व करते हैं। ये डाइन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक डाइन का। इसके लिए भी 214 नैनोमीटर प्लस, इसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, और ये डबल बॉन्ड जो है एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए। तो दो एक्सोसाइक्लिक हो गए, तो दो मतलब 10 नैनोमीटर। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखें अगर हम, तो एक दो तीन, तीन मतलब 15 नैनोमीटर, क्योंकि 5 नैनोमीटर हमारे सब्स्टिट्यूएंट के लिए लेते हैं और 5 नैनोमीटर हमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए लेते हैं। तो टोटल वैल्यू होगी इसकी 932 नैनोमीटर। तो ये कंपाउंड अपनी रेंडमैक्स शो करेगा 239 नैनोमीटर के आसपास। ये सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है होमोडाइन सिस्टम का। होमोडाइन सिस्टम वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड आपके एक ही रिंग में होते हैं। तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो ये होमोडाइन का एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले होमोडाइन के लिए जो वैल्यू ली जाती है वो है 253 नैनोमीटर। उसके बाद ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, राइट? तो एक एक्सोसाइक्लिक मींस सिर्फ एक 5 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे इसके लिए हम। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे अगर हम, तो सब्स्टिट्यूएंट है एक दो तीन चार, चार मतलब 20 नैनोमीटर, 4 × 5, हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। टोटल वैल्यू हो गई 278 नैनोमीटर। ये ऐसे एग्जांपल है जिसमें दोनों सिस्टम आप देख सकते हैं। ये सिस्टम है होमोडाइन कंपोनेंट का और ये सिस्टम है हेट्रोडाइन हेट्रोएनुलर सिस्टम का। तो होमो एनुलर भी आपके पास है, हेट्रोएनुलर भी आपके पास है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आए जहां होमो और हेट्रोएनुलर एक साथ हैं, तो आपको होमो एनुलर को प्रेफरेंस देनी है। तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे और इसको एक्सटेंशन मानेंगे। तो वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। ये मेन हमारा जो मेन सिस्टम होगा डाइन का, इसको मानेंगे। वी विल गिव प्रेफरेंस टू द होमोडाइन कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको मेन मानेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर प्लस, ये जो है ये एक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए हमने बताया था 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तो वी विल ऐड 30 नैनोमीटर टू इट। उसके बाद ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 नैनोमीटर इसके लिए फॉर दिस, 5 नैनोमीटर फॉर दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। उसके अलावा अब जो हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे वो पूरे ट्राइन सिस्टम पे देखेंगे। जो आपका सिस्टम ट्राइन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट आपको देखना होगा, एक दो तीन और चार। तो चार सब्स्टिट्यूएंट मतलब 20 नैनोमीटर हर एक के लिए, 5 नैनोमीटर देख देते हैं। टोटल वैल्यू होगी इसकी 308 नैनोमीटर। ये सिस्टम भी सिंपल सिस्टम है, ये भी सिस्टम जो है ये हेट्रो एनुलर सिस्टम का एग्जांपल है। इसकी जो भी रीडिंग होगी 214 नैनोमीटर। ये डबल बॉन्ड इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 नैनोमीटर फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 मतलब 15 नैनोमीटर। टोटल वैल्यू 5 × 10 = 14 = 1 = 334 नैनोमीटर। तो ये कंपाउंड अपनी लेंथ शो करेगा 234 नैनोमीटर के आसपास। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी वही एग्जांपल है जहां आपके पास होमोडाइन भी है और हेट्रोडाइन हेट्रोएनुलर सिस्टम भी है और होमोएनुलर सिस्टम भी है। तो आप प्रेफरेंस हमेशा होमोएनुलर सिस्टम को देंगे। तो होमोएनुलर सिस्टम आपका ये मेन कंपाउंड माना जाएगा, उसकी रीडिंग होगी 253 नैनोमीटर प्लस, इसको एक्सटेंशन माना जाएगा। तो ये अगर एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है तो 1 एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन इज 30 नैनोमीटर प्लस, ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है और ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब 15 नैनोमीटर, जहां आपके 3 एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड आपने काउंट किए हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशंस हैं एक दो तीन चार पांच, मतलब पांच स्टूडेंट, मतलब पांच गुणा पांच नैनोमीटर टोटल वैल्यू होगी इसकी, और टोटल जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 323 नैनोमीटर। ये लास्ट एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल भी वही है, होमो एंडो सिस्टम प्लस हेट्रो एंडो सिस्टम, होमो एंडो सिस्टम प्लस हेट्रो एंडो सिस्टम। तो यहाँ आप जो मेन कंपोनेंट होगा आपका मेन सिस्टम डाइन जो है उसको माना जाएगा, मेन डाइन के जो है वो होमो एंडलर है, तो अगेन 253 नैनोमीटर वैल्यू होगी इसकी। प्लस एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन ये है, एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन ये है, तो 30 जमा 30 60 नैनोमीटर, क्योंकि हम हमारे हर एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन के लिए वी आर टेकिंग 30 नैनोमीटर एज द एडिशनल वैल्यू फॉर दिस लैंडर मैक्स। तो 30 जमा 30 60 नैनोमीटर। उसके अलावा ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये बॉन्ड जो है वो इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये बॉन्ड जो है ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो तीन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, मतलब 15 नैनोमीटर। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने के लिए आपको पूरे पूरे सिस्टम पर पूरे टेट्राइन पर मूव करना होगा और देखने पड़ेंगे कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब पांच सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब 25 नैनोमीटर, पांच गुणा पांच फॉर ईच नैनो सब्स्टिट्यूएंट्स। टोटल वैल्यू हो गई 10 और 1 13, 10 और 3 13, 1 12, 14 और 1 15, 1 3 53 नैनोमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं फ्रॉम हेट्रो एनो सिस्टम से लेकर होमो एनो सिस्टम तक जो कैलकुलेट की जाती हैं लैम्डा मैक्स, वो ये हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा।